चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर टू जो है उसका लेक्चर टू स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल हमने फर्स्ट लिया था, यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, इंशाल्लाह मेगा के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा और आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं और याद से कीजिएगा। ये बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर था, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, खासतौर पर कल का लेक्चर। ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे एक चीज़ को कि हर चीज़ अपने टाइम के ऊपर अच्छी लगती है, हर चीज़ एक टाइम के ऊपर करने वाली होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता बच्चे कि एक चीज़ अगर टाइम गुजर गया तो फिर वो हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे मैं सीए के स्टूडेंट्स को अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कुरान हिफ्ज किया जब, तो मैं इतना सा था, मैं छोटे होते हुए डाल दिया गया, तो उस वक्त गुस्सा भी आता था। मेरे बहन भाई स्कूलों में पढ़ रहे थे और वो भी अंग्रेज़ी स्कूलों में, वो सुबह जाते थे 3 बजे, वो सुबह 9 बजे 8 बजे जाते थे, 3 बजे वापस आ जाते होते थे, जबकि मुझे सुबह 6 बजे उठ के जाना पड़ता होता था सर्दी में साइकिल चला के, और मेरी छुट्टी भी शाम को असर के टाइम हुआ करती थी, असर की नमाज़ पढ़ के छोड़वाते थे वो। तो मुझे बड़ा इस चीज़ पर अजीब लगता था, मैं भी तो कहता था कि यार चलो 2-5 क्लासें मुझे पढ़ने दो, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ फिर इसमें डाल देना मुझे। मतलब वो पूरी साइकिल चलानी नहीं आती थी जब मैं होता था, वो कैंची, हमारे साइड उसको कैंची कहते हैं, अब आप पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो डंडों के दरमियान से टांगे गुजार के और वो पैडल मार के जाना पड़ता है, खैर जो भी है, तो मैं वो चला के जाया करता था मदरसे। तो हमें नहीं पता होता, तो मैं अपने अब्बू को कहता भी था, अब्बू मुझे थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो, मुझे ये पता था कि मुझे थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो तो मैं इन चीज़ों को जो है वो कवर कर लूँगा साथ साथ। लेकिन जो वालिद साहब थे वो नहीं माना करते थे क्योंकि उनको ज़्यादा बेहतर पता था। तो इसकी एक एज होती है, इसी तरह कुरान हिफ्ज़ करने की एक उम्र होती है, और उसके बाद वो नहीं होता। होने से मुराद ये नहीं है कि फिर आप उसे हिफ्ज़ नहीं कर सकते, नहीं बेटा, जो आप एक एज में 2 साल में काम कर सकते हो वो एक एज गुजरने के साथ वो काम आपको करने में 10 साल लग जाएंगे। सेम केस स्टडी के साथ है। मैं इसलिए आपको सीए की स्टडी के अंदर बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि बेटा निकाल लो, 25 साल की एज तक आप आर्टिकल में होने चाहिए। 25 साल की एज तक अगर आप आर्टिकल में नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है सीए को आगे कवर करने में। इसका मतलब ये नहीं है कि सीए नहीं हो सकता। वो मेरे से एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि बेस्ट एज क्या होती है सीए करने की। खैर, तो आप अगर उस एज से निकल जाते हो तो फिर आपसे वो काम नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर अब मैं बात करूं, मेरी स्टडी अब बहुत पीछे चली गई है, बैक एंड पे चली गई है। हालांकि मैं ये सोचता होता था जब मैं आर्टिकल में था, आर्टिकल कर रहा था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ पेपर मेरे निकाल लिए, फिर उसके बाद मैंने सोचा यार मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो निकलते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अब अर्निंग की तरफ फोकस किया जाए, थोड़ा सा क्लाइंटेज की तरफ फोकस किया जाए, ताकि थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज थे उनको कवर किया जा सके, थोड़े से मतलब और मामलात भी थे, फाइनेंशियली इश्यूज़ नहीं थे, बहरहाल मैं कुछ ज़्यादा लेवल का खुददार था तो मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता था, अपने वालदैन से भी मांगना अच्छा नहीं लगता था और अभी भी नहीं लगता। तो मैं कुछ स्टेबल होने के चक्कर में था और वो भी मेरी एक गलती ही थी, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी मेरी, लेकिन बहरहाल तो मैंने जनाब जी उस साइड पर ज़्यादा फोकस किया, पेपर रख दिया, मैंने कहा आर्टिकल के बाद 1-2 अटैम्प्ट दे के निकाल लूँगा। तो भैया आर्टिकल ख़त्म हुई और फिर मेरी ज़रूरियात इतनी बढ़ गई थी कि मैं अगर इसको छोड़ता हूँ तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब होती है, और अगर इसको पकड़ के रखता हूँ तो मेरी स्टडी डिस्टर्ब होती है। एंड ये यूनिवर्सल केस है, आपके जैसे जैसे एज गुजरती जाएगी, आप जितने ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे आपके लिए पढ़ना मुश्किल होता जाएगा। आई कैप का पेपर पास करना बेटा, जो मैं आपको सीधी सी बताऊँ, मेरी अब तक की असेसमेंट है, ये आपकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने मैच्योर हो, बल्कि आप जितने ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको आपकी उसके अंदर फेलियर होंगी। अगर आप अपने वो सब्जेक्ट देखें जो आपके फंसे या जिनमें आपको अटैम्प्ट लगी, तो नॉर्मली वो सब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर आपके कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होंगे, एंड आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये मेरा पास क्यों नहीं हो रहा। बेसिकली उस सब्जेक्ट के अंदर आप उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी से आगे निकल गए हैं जो पेपर में डिमांड होती है। मतलब मैं अपनी बात करूँ, रिपोर्टिंग मेरा अड़ा और बेतहाशा अड़ा, हालांकि जिन बच्चों को मैंने रिपोर्टिंग पढ़ाई थी वो पास हो गए, मैं रह गया। वजह क्या थी कि मेरी रिपोर्टिंग के अंदर कंसेप्ट काफ़ी क्लियर थे, बहुत ज़्यादा क्लियर थे कंसेप्ट। मतलब अभी भी ये सिचुएशन है कि मैं अब तो तकरीबन सैकड़ों कंपनियों की फाइनेंशियल बना चुका हूँ, एंड कभी शायद होता हो कि बैलेंस शीट टैली ना होती हो, बैलेंस शीट टैली होती है, हाँ कैश फ्लो में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन पेपर मेरा नहीं निकला। पेपर मेरा तब जाके निकला जब मैंने किया भी सिर्फ 70% था, 70-75%, एंड किया भी जस्ट बहुत बेसिक लेवल पे था। मतलब मैं इस सोच के साथ एग्जाम में गया था कि जस्ट मैं क्वेश्चन पेपर लेने आया हूँ, बाकी जो स्टूडेंट मेरे क्लास के रेगुलर है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, मैंने ये बात की हुई है पहले
मैं जस्ट पेपर लेने गया था, पेपर देने नहीं गया था, तो वहाँ पे बैठ के मैंने क्या किया, फॉर्मेट बना दिए, जो फिगर दी हुई थी वही पुट कर दी, मैंने कोई क्वेश्चन फाइनल कंप्लीट नहीं किया था, एंड मैं तकरीबन 70 to 75 मार्क्स का पेपर करके आया था, जो मैंने असेसमेंट की थी कोई 32-33 मार्क्स की थी अपनी, और जब वो रिजल्ट आया तो मेरा पास हो गया। तब मुझे ये चीज़ अंदाज़ा हुई कि भाई पहले मेरी क्या गलती होती थी, पहले मेरी बेटा गलती ये होती थी पेपर के अंदर, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता था, बेसिकली उस लेवल से मुझे ज़्यादा आता था। तो होता ये था, जब ये क्वेश्चन की ट्रीटमेंट मेरे सामने आती थी, मेरे दोस्तों को सिर्फ उसकी एक वर्किंग पता होती थी, जो मेरे फेलो थे जो उनको मैं बताता था, मुझे उसकी चार वर्किंग पता होती थी कि यार ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, इसको ऐसे भी तो हो जाना चाहिए, एक उसमें। दूसरे नंबर पे मैं क्या करता था, खलारा बोर्ड डाल लेता था, मतलब वर्किंग खोल लेनी सारी, हर चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में। तो एट द एंड होता क्या था कि एक शीट पे बैलेंस शीट होती थी, चार शीटों पे वर्किंग होती थी, और मैं उसको कंसाइज ही नहीं कर पाता था। फिर मुझे ये नहीं समझ आती थी कि ये वाली फिगर मैं कहाँ से उठा के कहाँ डालूँ, मेरे से प्रेजेंटेशन नहीं बनती थी। तो जब मेरे पास हुआ तब मुझे ये चीज़ समझ आई कि कैफ लेवल के ऊपर आपकी बी कॉम लेवल की मेच्योरिटी चाहिए होती है, कैफ ग्रेजुएट के बराबर भी नहीं है। तो ये किन सेंसेस में आपको, देखो ना ये इशारे होते हैं बच्चे, आपको समझना होता है, ये इशारे होते हैं जिनसे आपने मतलब निकालने होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी राइस का पंगा चल रहा है बड़ा, कोई कह रहा है जी वो CFE में जा रहे हैं, कोई कह रहा है जी वो अपना कॉलेज बना रहे हैं, कोई कह रहा है जी वो शेरशाह में जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशन से हमें पता चलता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं और क्या सीन होने वाला है। आपको इशारे समझने चाहिए कि अगर कैफ ग्रेजुएशन के बराबर नहीं है तो उसके पेपर में क्या आपको आई कैफ प्रोफेशनल लेवल पे टेस्ट कर सकता है, या उसकी ये सोच है कि वो आपको प्रोफेशनल लेवल पे टेस्ट करे। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि आई कैफ किस लेवल पे जाके टेस्ट करता है, कभी आप उस बच्चे का पेपर उठा के देखो जो खासतौर पे गोल्ड मेडलिस्ट होता है या जो फर्स्ट अटेम्प्टर होता है, एंड सिमिलरली किसी बीकॉम के बच्चे का पेपर उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि पेपर में सिमिलैरिटी कितनी है उसकी और उसकी। बीकॉम का पेपर आप देखते हैं बच्चे किस तरह करते हैं, जो टॉपर होते हैं बिल्कुल साफ सुथरा हाशिए लगे होते हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, सिंपल वर्ड्स के अंदर सिंपल लाइनें, सिंपल पॉइंट्स, क्यों, उनको पता ही इतना होता है ना। तो लिहाजा इस लेवल के ऊपर आपकी एक मेच्योरिटी है, और वही मेच्योरिटी आपको पेपर में काम आनी है और पास कराना है। आप इससे ज़्यादा मेच्योर हो गए तो बच्चे आपके लिए खतरा है, आप इससे कम मेच्योर रहे तो भी आपके लिए मसला है। मतलब हमसे AO लेवल के स्टूडेंट्स बहुत आगे होते हैं CA में, वजह क्योंकि उनके पीछे से एक बेस बनी होती है, एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मेच्योरिटी उनके अंदर मौजूद होती है। हम क्या होता है कि भाई मैट्रिक, FSC, FSC में मेडिकल या नॉन मेडिकल के धक्के खाते 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 जब कुछ नहीं बनता, फिर जनाब जी क्या यार एक CA भी चीज़ है और उसमें बहुत कमाई है, अन्यवाह कमाई है। खैर इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, कमाई के ऊपर भी। बहरहाल फिर हम CA में आ जाते हैं, ना हमारी वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी होता है, ना हमारी वो बेस होती है, और ना हमारी वो मोटिवेशन होती है। एक बच्चा जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मेडिकल का पेपर दिया है, उसका पास नहीं हुआ, वो डिमोटिवेटेड बच्चा CA में आ जाता है, तो क्या वो CA कर लेगा, जबकि वो CA को जस्ट एक एज अ ऑप्शन लेके चल रहा होता है। तो सेम बेटा, हमारी एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी रिक्वायर्ड है, और वो यही एज है 18-23, इस दरमियान आपका कैफ क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप 23 क्रॉस कर गए हो, कैफ क्वालिफाई नहीं है, तो आपको मसला होने वाला है आगे जाके। एंड 28 की एज तक आपके आर्टिकल कंप्लीट होनी चाहिए। जितना लेट करते जाओगे बेटा आपके लिए उतना मसला होता जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन में भी, आपकी स्टडी में भी। एंड रेस्ट श्योर, विदाउट क्वालिफिकेशन एंड विदाउट स्किल्स CA की भी कोई अर्थ नहीं है। इस चीज़ का आप यकीन रख लें कि आर्टिकल करने के बाद आपको कोई अन्यवा जॉब लग जाएंगी। आपको क्या लगता है हमारे कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने बैठे होंगे जिन्होंने आर्टिकल की होगी? 25-30 हज़ार स्टूडेंट तो होगा, बल्कि ज़्यादा होगा इससे मेरे ख्याल में। लेकिन आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि डेली पोस्ट आई पड़ी होती है, यार हमें CA बंदा चाहिए, SC CA बंदा चाहिए, हजारों के हिसाब से पोस्टें हैं, फिर उनको क्यों नहीं पूरी हो रही है वहां। इधर कैफ क्वालिफाइड पार्ट CA क्वालिफाइड भी हजारों में बैठे हैं, इधर वैकेंसीज भी हजारों में है, तो जॉब पूरी क्यों नहीं हो रही? तो मसला वहां पे ये है कि भैया स्किल नहीं है। एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा आपकी डिग्री को सर में नहीं मारेगा, आपको उसने काम निकलवाना है, काम करके दो, आपकी डिग्री ना भी हो कोई मसला नहीं है। मेरे पास कौन सी डिग्री है, स्किल है? आप लोग मुझे मेरी डिग्री के ऊपर फीस नहीं देते बच्चे। तो सेम चीज CA में है। आप आर्टिकल ज्वाइन करने से पहले अगर बहुत ज्यादा मेच्योर हो, आर्टिकल के अंदर आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ये हमने खुद देखा है। मेरे स्टूडेंट जो मेरे से बड़े, मेरा तो एक स्टूडेंट 60 ईयर का है, FCM में है, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो CA करके जनाब CA में उसने एडमिशन लिया, कैफ उसको एग्जेम्प्ट हो गया, तो अब वो जनाब जी आर्टिकल कर रहा है CA में।
मेरे साथ है, मतलब मेरे अंडर ही वो करता है। अब मैं क्या करूँ उसे, उसे बाकी सारों को मैं बच्चा कहता हूँ, उसे मैं सर कहता हूँ, हालांकि वो मेरा जूनियर है। और वो मुझे पीछे भी पड़ा हुआ कि यार तैयारी शुरू करें और पेपर देने हैं। खैर, तो भैया उसी कुछ नहीं रहे। सेम इस तरह जब आप आर्टिकल में जाओगे, अगर आप ज़्यादा मैच्योर हो तो आपको पता होगा कि ये बंदा मुझे यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा यहाँ पे मेरा तवा लगा रहा है, ये बंदा यहाँ पे मुझे टॉन्ट मार रहा है। तब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते रहोगे, काम नहीं सीखोगे। जबकि अगर आप कम मैच्योर होते हो तो आपको इस चीज़ की पर पता ही नहीं चलता ना कि अगला टॉन्ट मार रहा है, मेरे ऊपर बर्डन डाल रहा है, मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा है, या मुझे वो नहीं सीख कुछ तरह की चीज़। जब इन चीज़ों में आपका माइंड ही नहीं होगा तो आप सीखोगे? तो एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मेच्योरिटी एज के साथ आपके अंदर होनी चाहिए। ओवर लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो है वो आपके हर चीज़ को डिस्टर्ब कर देगी, आपकी लाइफ स्पैन को डिस्टर्ब करेगी, आपके लाइफ प्लान को डिस्टर्ब करेगी, आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन, कैरियर, स्किल, आपके रिलेशनशिप, हर चीज़ बर्बाद कर देगी। तो लिहाजा हर चीज़ वक्त के साथ अच्छी लगती है, और ये आपका वक्त है। इसमें आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप जनाब जी बेहतरीन साफ सुथरे कॉटन कपड़े, घड़ी लगाई हाथ में, 1.5 लाख का मोबाइल, बड़ी बेहतरीन चमकती, ये आपको सूट ही नहीं करता। भाई आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वाला अटायर में रहो ना, आप उन चीज़ों की ट्राई ना करो। अभी आपका काम ही पढ़ना है तो क्या पढ़ते होंगे जब आपका फोकस ही अपनी पर्सनैलिटी इन चीज़ों के ऊपर है। एक नॉर्मल सी ड्रेसिंग रखो, सिंपल से शूज रखो, अपनी एक दो टाइम के खाने के ऊपर फोकस रखो एंड पढ़ाई पर फोकस रखो। आपसे तो इस टाइम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। तो आप अपनी एज से आगे ना निकलें, जिस एज में हैं उसी में रहें और इस एज को यूज़ करें। तो जिस एज में आपको जो चाहिए होगा, आप जब उस एज में पहुंचेंगे, अल्लाह ताला वो आपके सामने ऐसे सजा के रख देगा। तब आपको पता चलेगा कि प्लान कितना परफेक्ट है अल्लाह ताला का इस दुनिया के बारे में, इस निज़ाम के बारे में। हमारी ख्वाहिशात के ऊपर तो ये दुनिया नहीं चलती ना बेटा, एक प्लान के ऊपर चल रही है। तो इस प्लान में जो स्ट्रगल करता है, जो कोशिश करता है, वो सर्वाइव कर जाता है। नहीं तो बेटा सड़कों के किनारे नशाइयों की बहुत लाइनें लगी पड़ी हैं, छतों से कूदने वाले भी बहुत ही होते हैं, रात को 2 बजे भी मुझे सुसाइड के मैसेज करने वाले बच्चे बहुत हैं। तो ये आपका टाइम है, ये आपका वक्त है, इसके अंदर आपने कर लिया, आपके लिए आसान है। आज जो चीज़ आपके 6 महीने लेगी, अगले साल बाद वो आपका 1.5 साल ले जाएगी। और ये कोई मैं मोटिवेशन चीज़ नहीं बता रहा, मैं प्रैक्टिकली आपके सामने एग्जांपल बैठा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे रिपेंटिंग में 6-7 अटैम्प्ट लग गई थी भाई। आई एम अबाउट टू डिसक्वालीफाई, वजह भी आपके सामने ही है सबके। अब मैं जब फाइनल का पेपर दूंगा, अब मुझे फाइनल के पेपर में भी डिस्टर्बेंस होगी। क्यों? मैं फाइनल के पेपर से लेवल से भी ऊपर सीख गया हूँ चीज़ें। मैं सैकड़ों कंपनीज के, हर तरह की कंपनीज के अकाउंट बना बैठा हूँ, फाइनेंशियल देख चुका हूँ, उनके ऑडिट करा चुका हूँ। मुझे 100% श्योरिटी है कि जब मैं फाइनल की रिपोर्टिंग दूंगा, और मैंने फाइनल की रिपोर्टिंग बचा के रखी है, मेरा हौसला ही नहीं हो रहा जाने का उधर। तो ये चीजें वक्त के साथ साथ आप बेटा मेरे वाली आप फेस करोगे। तो बेहतर है कि भैया अभी जिस काम के लिए आपकी एज है, इस एज में आप वही काम करो, जो ख्वाहिशें हैं, जो सोचे हैं, उनको बचा के रखो, उनको अल्लाह की रजा पे छोड़ दो। जब उसका बेहतर टाइम आएगा, आपको उसी टाइम पे मिलेगी, और आपके लिए इसी में बेहतरी है। वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश ना करें। हमारे सामने मिसालें हैं जिनको वक्त से पहले मिल गया, तो वो भाई अल्लाह हाफिज़ है उनका, ना उनकी क्वालिफिकेशन हुई ना कुछ। हाँ, शॉर्ट टर्म उनको फाइनेंसिंग मिल गई थी, अब उनकी परेशानी ये है कि मुझे कुछ कुछ लोग मुझे मिलते हैं, मेरे बल्कि साथ रहने वाले हैं, आप भी उसमें से, आप उस बंदे को आप में से बहुत जानते हैं, बहुत सारे जानते हैं आप में से उन बंदे को। वो बंदा मेंटली तौर पर गायब दिमाग होना शुरू हो गया, एज उसके अभी 24-25 साल ही होगी। क्या है? वक्त से पहले उसने वो चीज़ लेने की कोशिश की है जो उसको एक स्पेसिफाइड वक्त के बाद मिलनी चाहिए थी। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप बहुत जानते हैं उसे, सारे जानते हैं आप उसको, तकरीबन अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो उस बंदे को जानते हैं, वो मेरे साथ ही रहता है। अच्छा चलें जी, तो यहाँ तक थोड़ी सी एक डिस्कशन थी आप तमाम के लिए, थोड़ी सी कुछ मेरे वर्ड्स थे, तो इनको लाजमी जहन में रख के जो है आपने आगे की प्लानिंग करनी है। ओके, तो आज मूव करते हैं अपने अगले लेक्चर के ऊपर। हमारा अगला लेक्चर कहाँ पे हम बेटा पहुँच चुके थे? ओके, हम कर रहे थे ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली हम कर रहे थे। तो हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमने देखा जी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक मुआहिदा। मुआहिदा क्या है? एक ऐसा वादा, एक ऐसा वादा, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको परफॉर्म करना, जिसको निभाना आपके लिए ज़रूरी है, उसको मुआहिदा कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या कहा था, कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक छिछोरे आदमी से शुरू होती है जो के प्रपोजल देता है। हाँ तो अहमद जिशान, आप क्लास में थे बच्चे, मुझे बता। ऑफर या प्रपोजल? शाबाश, प्रॉमिसर या प्रपोजल उस शख्स को कहा जाता है। एंड जब
प्रपोजल आता है तो फिर उसके साथ एक्सेप्टेंस ऐड होती है। तो ये दूसरा जो छछोरा है जो एक्सेप्टेंस दे रहा है इसको क्या कहते हैं? आफरी या प्रॉमिसी। हाँ जी, ऑफर या प्रॉमिस ही। तो लिहाजा एक छछोरे ने ऑफर कराई, दूसरे छछोरे ने एक्सेप्टेंस दी, तो ये मिलके एक प्रॉमिस बन गया, तीसरी स्टेज बन गई। प्रॉमिस के अंदर क्या ऐड करें तो वह एग्रीमेंट बन जाएगा? हाँ जी जल्दी से बताएं, मुश्किल सा वर्ड था जी ये। सर, प्रॉमिस के अंदर क्या चीज ऐड हो जाए तो एग्रीमेंट बन जाएगा? कंसीडरेशन कंसिडरेशन। सर। कंसिडरेशन, शाबाश। तो प्रॉमिस के अंदर जब हम कंसिडरेशन ऐड करते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन एग्रीमेंट है ये वादा जरूर है, लेकिन निभाने के लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर आप पाबंदी लगा देते हो निभाने की तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मतलब लीगली इन्फोर्स कर देते हो वो वादा जो आप दोनों ने मिलकर किया, जो दो छछोरों ने मिलकर किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तमाम वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। समझ आ गई? क्लियर जी है यहाँ तक? ये कल पढ़ा था। फिर हमने मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखी थी जी भाई, उस छछोरे को क्या कहते हैं, उस दूसरे बंदे को क्या कहते हैं। फिर हमने ऑफर के ऊपर पढ़ा कि ऑफर कितने तरीकों से हो सकती है। उसके फिर हमने कुछ एसेंशियल देखे कि भाई ऑफर के लिए ज़रूरी है कि दो बंदे हों, एक बंदा अपने आप को लगाना रहे ऑफर कराने में। इसी तरह ऑफर की कम्युनिकेशन हमने पढ़ी कि ये मस्ट होनी चाहिए, बगैर कम्युनिकेशन के, बगैर नॉलेज के ऑफर नहीं होती। सेम इस तरह कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? तो हमने कहा कि जब तक अगले बंदे को पता ही नहीं चलेगा तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। तो लिहाजा जिस बंदे को आप ऑफर करा रहे हो, जिसको आप प्रपोज कर रहे हो, जब तक उसे पता नहीं चलेगा भैया क्या ये प्रपोजल हुआ है, तब तक उसकी कम्युनिकेशन नहीं हुई। हाँ, जब उसे पता चल जाएगा कम्युनिकेट हो जाएगा। इसी तरह हमने कहा कि अगर प्रपोजल कराने के बाद आपको अंदाजा हुआ कि आप गलती कर बैठे हो, आप तो रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, तो आप उसको रिवोक कर सकते हो। आप रिवोक जो है एक ऑफर या जो होती है प्रपोजल, कब हो सकता है रिवोक? तो भैया कि जिस बंदे को आपने ऑफर कराई है अगर वो एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक कर देता है तो वो रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। किन किन तरीकों से रिवोक हो सकता है? तो भैया हमने क्या आपने ऑफर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम दिया था कि भाई मैं तुम्हें ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मुझे अगले 2 दिन में बता दो। और अगर अगर बंदा जो है वो 2 दिन के अंदर आपको कम्युनिकेट नहीं करता, ऑफर खत्म हो जाएगी, अब दोबारा वो एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट। भैया जी अगर वो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करता, एक्सेप्ट करने वाला बंदा प्रॉमिस ही प्रॉमिसर की ऑफर की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करता या एक्सेप्ट नहीं करता तो भी वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह प्रपोज करने के बाद उसका भाई ऊपर आ गया, उसने सर में डंडा दिया, बंदा मर गया, तो भैया ऑफर खत्म हो गई। समझ आ गई बात यहां तक? जी ये पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। ओके, कुछ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखे थे कि भैया जी प्रपोजर कर रहे हो, अगर वो इनकार कर देता है, कहता है अपनी बुद्धि वेख, ते अपनी हरकत वेख, तो भी ऑफर खत्म हो जाएगी भैया जी। और इसी तरह अगर वो आगे से डबल ऑफर करा देता है, आपने किसी को प्रपोज किया, उसने आपको उल्टा कर दिया, उसने कोई और ऑफर फेंक दी, तो भैया वो भी क्या होगा, ऑफर आप वाली खत्म हो जाएगी, अगली आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूँ कि भाई मैंने अहमद को ऑफर कराई कि मेरी ये जो गड्डी है, मैं उसे रानी बोलता हूँ, मेरी जो जो गड्डी है मैं आपको 10 लाख, नहीं यार 17 लाख की जो है वो बेचना चाहता हूँ, और आप मुझे कैश में पैसे देंगे, तो ये मैंने ऑफर कराई। अगर अहमद इसको एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो इस सारी बातों को एक्सेप्ट करेगा कि मतलब वो गाड़ी भी 17 लाख की लेगा और थ्रू कैश पैसे भी देगा। जबकि अगर अहमद मुझे कहता है कि नहीं सर मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा तो सही 17 लाख में, लेकिन मैं पैसे चेक के थ्रू दूंगा, तो उसने क्या किया, मेरी ऑफर को रिवोक करके काउंटर ऑफर करा दी, खुद उसने ऑफर करा दी। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं गाड़ी बेचूं और वो भी चेक के थ्रू, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं। समझ आ गया? हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी जब काउंटर ऑफर होगी, और जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ आ गई बात? ओके, तो ये हमने कल ऑफर को देखा था, आज हम उसके दूसरे एसेंशियल को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की पहली स्टेज ऑफर हो गई। ऑफर के अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? ओके, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से क्या मुराद था? हमने कहा ऑफर से क्या मुराद था, जब हम ऑफर को देखेंगे तो हमें एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन खुद मिल जाएगी। ऑफर क्या थी कि जब कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी काम पर राजी करने के लिए उसकी रजामंदी चाहता है, मतलब एक शख्स अपनी इंटेंशन शो कराता है किसी दूसरे शख्स की रजामंदी लेने के लिए, इसको ऑफर कहते हैं। मैं इंटेंशन शो करा रहा हूं, मैंने गाड़ी बेचनी है अहमद को, अहमद को ही क्यों शो करा रहा हूं, वो मेरी कोई फूफी का बेटा तो नहीं है ना बेसिकली, या वो कोई मेरा लंगोटिया यार तो नहीं है, बल्कि क्यों, क्योंकि मुझे उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे उसकी रजामंदी चाहिए, उसने गाड़ी खरीदनी है। तो लिहाजा ऑफर क्या है कि भाई एक मिनट दो यार, मुझे ना क्या
कि जब कोई शख्स किसी दूसरे की रजामंदी लेने के लिए कोई इंटेंशन शो कराता है, ये ऑफर होती है। एक्सेप्टेंस क्या है कि जब किसी ऑफर के अगेंस्ट में वो शख्स जिसकी रजामंदी चाहिए थी वो राजी हो जाता है, तो भाई आपकी किस्मत ही खराब है। तो लिहाजा एक्सेप्टेंस क्या है कि वेन अगेंस्ट द ऑफर, जिस शख्स को ऑफर थी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो अपनी रजामंदी के जिस शख्स को ऑफर कराई गई सिग्निफाइज हिज एसेंट। एसेंट से मुराद होता है बेटा रजामंदी, उर्दू में हमारी उर्दू भी फारीग है अंग्रेजी भी फारीग है। तो लिहाजा जिस शख्स को ऑफर कराई जाती है अगर वो उसके गेस्ट में अपनी रजामंदी दे देता है तो भैया उसको एक्सेप्टेंस कहा जाता है। क्लियर है? जी सर। अब जाहिर सी बात है जिस तरह ऑफर की कम्युनिकेशन है वैसे एक्सेप्टेंस की भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो भैया वही चीजें हैं लेकिन थोड़े से आगे चल के रूल डिफरेंट हो जाएंगे। चीजें वही है, वो कहते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और मिशन। तो पहली बात वो ये कर रहा है कि एक्सेप्टेंस के लिए भी जरूरी नहीं कि एक्सप्रेसली वो करे, मतलब बोल के या लिख के करे, वो एक्शन से भी कर सकता है, इंप्लाइडली भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने अहमद को ऑफर कराई, मैं अपनी एक गाड़ी तुम्हें 10 लाख की बेचना चाहता हूं, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो कल मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख एडवांस जमा करा दो। तो ये मेरी तरफ से ऑफर थी। अहमद ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, जस्ट अगले दिन 2 लाख मेरे अकाउंट में डाल दिए। तो इस एक्शन से क्या पता चलता है कि उसने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली और मेरे तक कम्युनिकेट हो गई। बिल्कुल। तो लिहाजा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, वो एक्सप्रेसली भी हो सकती है, लिख के या बोल के हो सकती है, या वो किसी एक्ट से भी हो सकती है। नोट है यहां पर छोटा सा, अ प्रपोजल इज नॉट कंसीडर्ड एक्सेप्टेड इफ ऑफरी रिमेन साइलेंट। हमारे यहां एक बड़ा छिछोरा सा एक वर्ड यूज होता है कि आपकी खामोशी को मैं हां समझूं, तो लॉ कहता है नहीं, यह बकवास बंद करो। तो लिहाजा लॉ क्या कहता है कि अगर आगे शख्स खामोश रहता है तो इसका मतलब हां कभी नहीं होगा। आपने किसी शख्स को कहा, मिसाल के तौर पे मैंने अहमद को कहा कि अहमद पुत्र मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 10 लाख की बेचना चाहता हूं, क्या तुम्हें चाहिए, और अगर तुमने मुझे 2 दिन के अंदर रिस्पांस ना दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने हाँ कह दिया है। और अहमद 2 दिन कोई रिस्पांस नहीं देता, वो बेचारा टुन पड़ा हुआ था कहीं पे, अल्ताफ भाई को प्यारा हो गया था, तो मैं ये समझा कि जी उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो लॉ कहता है कि नहीं, खामोशी का मतलब कभी हाँ नहीं होता। समझ आ गई बात? क्लियर है? हाँ जी। तो लिहाजा एक्सेप्टेंस हमेशा जरूरी है, या तो वो एक्सप्रेसली हो या वो इंप्लाइडली हो, साइलेंट से नहीं हो सकता। ठीक हो गया? ओके। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस की? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी बच्चे? ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी? जब ऑफर आखिरी तक अपनी कम्युनिकेशन अपनी बात, जब ऑफरी तक पहुंच जाए। मुझे बताएं खाली ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? नहीं, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, इस बात को मानते हैं। तो लिहाजा ऑफर जब कम्युनिकेट हुई तो क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन जब एक्सेप्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया? जी सर, हो गया। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के बाद कम्युनिकेट नहीं हुआ तो भैया ऑफरी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन आप तक अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुआ, मुझे अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नो सर, नहीं हुआ। यही एक छोटा सा इस पूरे चैप्टर के अंदर टेक्निकल डिफरेंस। अगर इस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ना तो ये जो आगे हम एक दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी में से ही आएगा, ये लिख के रख ले। अच्छा, तो भैया हमें पता चला कि भाई ऑफर की कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होगी ऑफर का रोल खत्म, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए मसला है। क्यों? एक्सेप्टेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाना है और दोनों पार्टीज के लिए बाइंडिंग होना है। अब ऑफरी जब एक्सेप्ट कर रहा है, जरूरी नहीं कि मुझे ऑफरर को उसी वक्त ही पता चल जाए। हो सकता है कि ऑफरी ने खत के जरिए एक्सेप्ट किया, उसे पोस्ट में डाला, 3 दिन बाद मुझे पता चला। तो जब ऑफरी खुद एक्सेप्ट करेगा उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन बन जाएगा। मेरे लिए कब बनेगा? जब मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो लिहाजा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग डेट का डिफरेंट आएगा कि मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कब लागू होगा, जब मेरे पास एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगी। और जो एक्सेप्ट करने वाला बंदा है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब लागू हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? जिस वक्त वो एक्सेप्ट कर लेगा। लॉजिकल है?
ये छोटा सा एक लॉजिकल पॉइंट है बस इस पूरे चैप्टर में। अब बोलो तो सही, कोई हुआ ही कर दो। ओके जी, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस की? मैं ऑफरर हूं, मेरे पास एक्सेप्टेंस आनी है। मैं प्रपोजर हूं, मेरे पास एक्सेप्टेंस आनी है, तो मेरे लिए कब कंप्लीट होगी? जब व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। तो मेरे लिए ये तब कम्युनिकेट होगी जब उसने एक्सेप्टेंस लेटर में डाल दी। अब मैं यहां पे एक छोटा सा केस बनाने जा रहा हूं। मैं हूं जुनेद, यहां पे है अहमद, मैंने इसको ऑफर की, ऑफर डेट थी जिस दिन को मैंने इसको, अब जाहिर बात है मैं लाहौर में रहता हूं, ये कराची में रहता है, अज्यूम कर लेते हैं। अहमद कहां के बच्चे? पिशावर, क्वेटा, मर्दान की साइड से? डेरा इस्माइल खान। चलें जी, माशाल्लाह। हाँ, ये मौजूद होती है ऑनलाइन क्लास की, मेरे पास पूरे पाकिस्तान के बच्चे होते हैं, तो मैं एक वो क्या कहते हैं मौसमियाती चैनल ओपन कर सकता हूँ। चलें जी, मैंने ऑफ़र की लाहौर से, मैंने एक लेटर लिखा 1 जनवरी 2021 को, और उसके अंदर मैंने एक ऑफ़र लिखी कि भैया मैं अपनी गाड़ी अहमद को 10 लाख रुपये में बेचना चाहता हूँ, और मैंने उसे रजिस्टर्ड पोस्ट में 1 जनवरी 2021 को डाल दिया, TCS करा दिया। अहमद को जाके वो डाक मिली 3 जनवरी 2021 को। मुझे बताएं कि ये ऑफर किस दिन कंप्लीट होगी, इसकी कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट होगी? जिस दिन अहमद को ये डाक, अहमद को मिली, तो मतलब ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई जिस दिन अहमद को मिली। अब अहमद ने एक्सेप्टेंस देनी, अहमद ने क्या किया कि भाई 5 जनवरी 2021 को एक एक्सेप्टेंस लेटर लिखा और उसको पोस्ट किया TCS के थ्रू। जाहरी बात है कि जिस टाइम ये एक्सेप्टेंस लेटर लिखेगा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए कहीं ना कहीं पे, बिल्कुल, जिस वक्त ये एक्सेप्टेंस दे रहा होगा उस वक्त किसी ना किसी के लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए ना, दो पार्टीज हैं, ऐसी बात है? जी सर। हाँ, तो अब हम देखते हैं, अहमद 5 जनवरी 2021 को एक्सेप्टेंस TCS में डालता है और मेरे पास पहुंचती है 8 जनवरी 2021 को। अब ये देखना होगा कि अहमद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किस दिन बनेगा और मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट किस दिन बनेगा, यहाँ पे तो ये मसला आएगा ना। जी सर। तो आइए रूल देखते हैं। वो कहता है कि भाई द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मेरे अगेंस्ट में प्रपोजर कौन है? मैं। ये थोड़ा सा उससे हट के जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे, ये लॉजिकली डिफरेंट है, वो चीज नहीं है। व्हेन इट पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, कि जब इसको TCS में डाल दिया जाएगा मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे बताएं कि किस दिन एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाली जा रही है, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाली जा रही है? 5 को सर। 5 को, तो प्रपोजर के हिसाब से किस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? 5 को सर। 5 को मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब 5/1/2021 को जुनेद के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अहमद के अगेंस्ट में कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब मेरे नॉलेज में आएगा। मेरे नॉलेज में किस दिन आ रही है एक्सेप्टेंस? 8 को। 8 को, शाबाश। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो लिहाजा मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अहमद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किस दिन बना? जिस दिन मेरे को पता चलेगा, प्रपोजर को उसका नॉलेज हुआ। अब यहाँ पर अब ये क्लियर है ना? जी सर। अच्छा, जी अब मैं एक और क्वेश्चन करने जाता हूँ। मुझे बताएं कि मैं जुनेद ऑफर को कैंसिल करना चाहता हूँ, किस दिन तक मैं कर सकता हूँ? सर 8 से ऑफर को कैंसिल करना चाह रहे हैं सर आप? मैं ऑफर को कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो सर 3 तारीख से पहले पहले कर सकते हैं। 3 से पहले पहले। मुझे बताएं कि ऑफर कब कैंसिल हो सकती है? जब तक सर एक्सेप्टेंस ना मिले। भाई ऑफर कैंसिल हो सकती है बिफोर एक्सेप्टेंस, ऐसी बात है? यस सर। तो मेरे अगेंस्ट में किस दिन को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है? मेरे अगेंस्ट में कब एक्सेप्ट हो रहा है? 5 को, 3 को, 8 को?
पांच को सर, तो मैं पांच से पहले पहले कैंसिल कर सकता हूँ, ऐसी बात है? यस सर। लेकिन अहमद ने एक्सेप्ट किया पांच को, अहमद कब तक अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है? सहरी बात है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अहमद के लिए कब बनेगा, जब मेरे पास उसकी एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगी, ऐसी बात है? अहमद के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसी बात है ना, अहमद के लिए कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब मेरे पास एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगी। तो मतलब मेरे पास एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले पहले वो उसे कैंसिल कर सकता है, क्यों? अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होगा अहमद के लिए। बिल्कुल, तो मेरे पास एक्सेप्टेंस किस डेट को पहुंच रही है? 8 को। तो भैया हमने ये देखा कि ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट, अहमद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किस दिन को बन रहा था? 8 को। 8 को, तो इसका मतलब है अहमद 8 से पहले किसी भी वक्त एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है, जबकि मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त बन रहा था? 5 को सर। 5 को, तो मैं 5 से पहले किसी भी वक्त कैंसिल कर सकता हूँ। आप समझ आ गई बात? यस सर। चलो गुड हो गया जी, ये तो हो गई ना अच्छी बात, मौज हो गई। ये सबसे बस टेक्निकल पॉइंट था। कंडीशन क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए? जिस तरह हमने वैलिड ऑफर के लिए कंडीशन देखी थी कि भाई किसी दूसरे बंदे को होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए वगैरह वगैरह, कोई कंडीशन साथ में लग सकती हैं, जो भी था वो हमने देखी। सेम इसी तरह एक्सेप्टेंस के लिए भी कुछ कंडीशन है। वो कहता है कि भाई मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जिस तरह वहाँ डेफिनेट एंड सर्टन था, यहाँ पे एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पक्का, अनक्वालिफाइड से मतलब होता है कि कोई साथ शर्त लगी हुई ना हो। जिस तरह ऑफर आई है, आपने उसकी तमाम चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। आप उसके अंदर ना कुछ चेंज कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो। समझ आई बात? जी सर। ओके, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, कि भाई उसी मैनर में उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भेजनी है जिस तरीके से प्रपोजर ने आपको कहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रपोजल के अंदर लिख देता हूं कि एक्सेप्टेंस जस्ट मुझे लेटर के थ्रू चाहिए और आप मुझे ईमेल कर देते हो, तो क्या एक्सेप्टेंस हो जाएगी? नो सर, नहीं होगी। तो लिहाजा जो मैनर बताया है उसी के अंदर होनी चाहिए, और अगर कोई मैनर नहीं बताया तो फिर रीजनेबल मैनर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि भाई Must be expressed in some usual and reasonable manner, कि भाई अगर proposer कोई prescribe नहीं कर रहा तरीका, तो फिर जो normally आप use करते हो या कोई reasonable तरीका जो है वो आप use कर लो। मिसाल के तौर पे आप और मैं सामने सामने बैठे हैं, मैं अहमद को कहता हूँ भाई मैं तुम्हें 10 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदते हो? अहमद क्या करता है, यहाँ से उठता है, एक पेपर उठाता है, पेंसिल उठाता है, उसके ऊपर लिखता है जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको लेटर में डालता है, बाहर जाता है, मेरे नाम पे TCS कराता है और अगले दिन मेरे पास एक्सेप्टेंस आई। तो क्या ये रीजनेबल तरीका है? नहीं है ना। रीजनेबल तरीका तो यही है ना कि मेरे सामने बैठा है तो यार मुझे वहीं पे एक्सेप्ट कर ले बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो लिहाजा अगर तरीका का डिफाइन नहीं है तो भैया रीजनेबल तरीके से वो हो सकती है। इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब मैनर इन इट इज टू बी एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच, द प्रपोजल मे विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब मैनर एंड नॉट अदरवाइज। देखो मैंने एक तरीका बताया अहमद को कि इस तरीके से तुम एक्सेप्ट करना, अहमद ने उस तरीके से नहीं किया तो अभी मेरी ऑफर खत्म नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको इंसिस्ट कर सकता हूँ अहमद को कि भाई जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से जो है वो एक्सेप्टेंस करो। बट इफ ही फेल्स टू डू सो ही इज डीम्ड टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। कि अगर मैं अहमद को ये नहीं कहता, अब जरा समझिएगा, मैंने अहमद को ऑफर कराई कि मैं अपनी गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे एक्सेप्टेंस कर दो। अहमद क्या करता है, व्हाट्सएप एक्सेप्टेंस नहीं करता बल्कि मुझे लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस भेज देता है। तो मुझे बताएं क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नो सर, नहीं है। अब क्या मतलब खत्म हो गई, ऑफर खत्म हो गई? नहीं, लॉ कहता है कि देखो मैं क्या करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक बार अहमद को फोन करूंगा और उसे इंसिस्ट करूंगा कि भाई मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू किया था, अगर आप काइंडली मेहरबानी करें कि व्हाट्सएप के थ्रू कर दें एक्सेप्टेंस। अगर तब अहमद व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस कर देता है तो कंप्लीट हो जाएगा, अगर तब अहमद एक्सेप्टेंस नहीं करता तब ऑफर खत्म हो जाएगी। समझा गई बात? लेकिन मेरे पास एक्सेप्टेंस आई लेटर के थ्रू और मैंने ये समझ लिया कि भाई ये क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो मेरी ऑफर खत्म हो गई, तो लॉ कहता है ऐसा नहीं होगा।
अगर आपका मैनर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कंडीशनल था और वो पूरा नहीं हुआ तो उसकी वजह से एक्सेप्टेंस खत्म नहीं होगी, बल्कि अगर आप ऐसा नहीं करते, उसको इंसिस्ट नहीं करते, तो वो समझा जाएगा कि एक्सेप्टेंस वैलिड है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ आ गई बात? मिसाल के तौर पे मैंने अहमद को ऑफर कराई कि मैं तुम्हें गाड़ी 10 लाख रुपए की बेचना चाहता हूं, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे एक्सेप्टेंस कर दो। अहमद ने क्या किया, लेटर में लिखा और मुझे भेज दिया। मैंने वो लेटर देखा, मैंने सोचा कि यार मैंने इसके क्योंकि कहा था व्हाट्सएप के थ्रू भेजना, इसने मुझे लेटर के थ्रू भेजा, तो ये ऑफर खत्म है, मैंने साइड पे कर दिया। मैंने बात ही नहीं की अहमद से, ये नहीं हो सकता, ऑफर खत्म नहीं होगी, एक्सेप्टेंस खत्म नहीं होगी, बल्कि ये समझा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई प्रॉपरली कन्फर्म करूँ कि वो मेरी ये कंडीशन मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता, तो मैं इंसिस्ट करूंगा, अगर इंसिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब मैंने एक्सेप्टेंस कबूल कर लिया। समझ आ गई? जी सर। ओके, गुड, हो गया। कुछ एडिशनल पॉइंट है? द ऑफर मस्ट बी अवेयर ऑफ प्रपोजल, के जो ऑफरी है वो एक्सेप्टेंस देने से पहले उसे प्रपोजल का पता होना चाहिए। एक प्रपोजल आपको पता ही नहीं है, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो? नो सर, नहीं हो सकता। तो लिहाजा सबसे पहले वो कह रहा है कि ऑफरी को प्रपोजल का पता होना चाहिए। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर, कि एक बार आप इनकार कर दो फिर हाँ कर दो। वो आजकल वो चल रहा है ना प्रिजा ड्रामा, आप में से किसी ने देखा है? बड़े मैं सोशल मीडिया पे उसकी बातें चलती है, किसी ने देखी कोई एपिसोड? तो यह यहाँ पे ड्रामेबाज। नो सर, एक एपिसोड कभी कभी कुछ नहीं देखा, जस्ट मुझे इतना आइडिया है कि कोई उसके अंदर अमीर गरीब वाला सीन है, कुछ ख्याली पुलाव पकाए गए हैं, ऐसा सिर्फ ड्रामों में ही होता है, एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं होता। अच्छा, तो उसमें यही होता है कि पहले ये रिजेक्ट हो जाता है, बाद में एक्सेप्ट के चक्कर में होते हैं। सुना है? तो भाई एक बार रिजेक्ट कर दिया, दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? हाथ से निकल गया। और इसी तरह एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर, कि एक ऑफर को अगर पहले टर्मिनेट कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है? ओके, वो कहता है भाई एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी नहीं कि एक्सप्रेस हो, इंप्लाइड भी हो सकती है। कोई आप कंसिडरेशन दे देते हो या किसी कंडीशन को फुलफिल कर देते हो बाई एक्शन, जिस तरह मैंने अहमद को कहा कि तुम मेरी गाड़ी लेना चाहते हो तो भैया मुझे बताओ और कल तक मेरे अकाउंट में 2 लाख जमा करा दो, उसने 2 लाख जमा करा दी, तो इसका मतलब है कि भाई किसी कंसिडरेशन दे देने से या किसी कंडीशन को फुलफिल करने से उसने एक्सेप्ट कर लिया। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस रिवोक कब हो सकती है? आपने ऑफर का देखा कब रिवोक हो सकती है, तो हमने कहा बिफोर एक्सेप्टेंस हो सकती है। वो कहते हैं एंड ऑफर मे बी रिवोक, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जिस दिन मेरे नॉलेज में आएगी। कौन सी? 8 जनवरी 2021 को। तो लिहाजा 8 जनवरी 2021 से पहले पहले किसी भी वक्त कैंसिल हो सकती है, रिवोक हो सकती है। क्लियर है? जी सर। चलें जी, तो ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, लेकिन है सारा कुछ वही सारा कुछ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कोई नई नहीं है, लेकिन मैं अगर अभी आपको पढ़ा दूंगा तो भैया आपका माइंड जो है वो इधर इधर से लीक होना शुरू कर देगा। आप काफ़ी हद तक सैचुरेट हो चुके हैं आज के लिए कंसेप्ट से। तो लिहाजा आज आपने करना क्या है बच्चे, सबसे पहले जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करना है, और रिवाइज कैसे करना है, मैं जो स्टोरी सुनाता हूँ उसके साथ मैच कर गए। स्टोरी याद रहनी चाहिए मेरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये मेरी कहानियाँ होती हैं क्लास के अंदर, फिल्में होती हैं, मेरी एक्टिंग होती है बेसिकली, ये आपको याद रहनी चाहिए, सब्जेक्ट खुद याद हो जाएगा। आपने जस्ट पढ़ना है बुक से, जस्ट पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, नोट्स को रट्टा मारना है एंड साथ में बुक की एग्जांपल करनी है। तो जब पढ़ रहे होंगे साथ में एग्जांपल करते जाइएगा, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे जो बुक के अंदर एग्जांपल्स दिए हैं। आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजन आती है, आप मुझे उसी वक्त डायरेक्ट मैसेज किया करें। मैसेज का तरीकाकार क्या है, स्क्रीनशॉट लें और साथ में ऑडियो नोट भेज दें, मैं आपको ऑडियो पर उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है? टाइपिंग से मुझे चिढ़ होती है, कॉल उठाने पर मेरे पास टाइम नहीं होता, बल्कि मुझे कॉल उठाने से भी चीड़ी होती है। तो व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज जो है वो सबसे बेस्ट रहता है, एक अच्छा बंदा उसमें आंसर कर सकता है। क्लियर है बच्चे? ओके सर। ओके, गुड, हो गया। इसी तरह बाकी कुछ जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास मतलब लेना चाह रहे हैं, लेक्चर लेना चाह रहे हैं, तो ये तो अभी मतलब उस ग्रुप के अंदर लिंक आ रहा है, ये कुछ ही दिन ही आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे अपना नेम, सब्जेक्ट और सिटी जो है वो व्हाट्सएप कर दें, हम अपने रेगुलर बैच में ताकि आपको ऐड कर दें। वहाँ पे लिंक भी डेली आता है और वहाँ पे लेक्चर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया बच्चे? तो मिलते हैं इंशाल्लाह। सर, ऑनलाइन आर्काइव की बुक कहाँ से मिलेगी, मतलब कहाँ से ऑर्डर लें? हाँ, ऑर्डर कहाँ से लेना बेटा, आजकल सारे ऑर्डर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा दे रहे हैं, तो ऑर्डर आप वहाँ से ले सकते हैं। बुक आई कैप की कहाँ से मिलेगी बेटा, आई कैप की है तो वो आई कैप से ही मिलेगी, आप आई कैप के पोर्टल पे जाके वहाँ से उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता कैसे करते हैं तो मैं अपने एडमिन को कह दूंगा, वो इसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देगा। ठीक हो गया? या मैं खुद ही बना दूंगा यार, इसमें कौन सी बात है, बड़ी हार्ड फॉर्म है। जी बिल्कुल, मिल गया जवाब।
वहाँ से आप उनको फी पे करेंगे और वो आपको जो है वो पोस्ट कर देंगे आपके घर के एड्रेस पे। आप पहले एक बार सोच लो आप करना क्या चाह रहे हो। क्लियर है मेरी बात या कोई और मसला है मुझे बता। अच्छा शॉर्ट फॉर्म में तो बेटा मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हार्ड का तरीका ये है। हाँ बंद कर दी है ना, तो वो इस वजह से बंद कर दी है। अच्छा हाँ, समझ आ गए समझ आ गए। अब मुझे समझ आ गई बात आप क्या कहना चाह रहे हो। बच्चे अभी तक उसने डेजिग्नेटेड पब्लिशर अनाउंस नहीं किए। ये अनाउंस होंगे फॉर एग्जांपल वहीद बुक स्टोर है यहाँ से, इस तरह आपके इलाके में जो बड़ा बुक स्टोर है उनको डेजिग्नेट किया जाएगा और फिर जो है वो आपको वो करेंगे। बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग हमारी क्लास की 11 बजे। 11 बजे से 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन 11 बजे एग्जैक्ट डेली क्लास होती है हमारी। ठीक हो गया। अभी तक जो है वो उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं हुआ। ठीक है बच्चे, आपको क्लियर है जिशान? मतलब खुद प्रिंट करवाते रहें तो क्या जरूरत है, क्यों प्रिंट कराना है बच्चे? आपने जो उससे पढ़ना है याद तो नहीं करना ना कि प्रिंट कराओ। पढ़ने के लिए ऑनलाइन वर्जन इनफ है, लेकिन अगर आपको स्क्रीन फोबिया है, आप स्क्रीन के साथ इतने फ्रेंडली नहीं है तो प्रिंट करा लो। बल्कि प्रिंट की हुई भी बाज़ प्राइवेट लोग जो हैं वो अवेलेबल कर रहे हैं, प्राइवेट लोग जो हैं वो अवेलेबल कर रहे हैं प्रिंटेड फॉर्म। मतलब स्टूडेंट्स वगैरह, जिस तरह मेरे पास प्रिंटर पड़ा है मैं निकाल के बेचना शुरू कर दूं, तो ये वाला एक सिस्टम शुरू हुआ हुआ है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ से कहाँ पे शुरू हुआ हुआ है। मैं पता करूँगा इंशाल्लाह, अगर मुझे पता चल जाता तो मैं आपको बताऊँगा कि प्रिंटिंग कहाँ से मिल जाएगी, वरना किसी सीए के कॉलेज से मिली जाएगी इंशाल्लाह प्रिंटिंग फॉर्म में, या आप उसके प्रिंटिंग वाले को कहेंगे तो आपको कर देगा। ठीक है बच्चे। ओके, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं। ये आपने अच्छा कंटेंट दिया, थैंक यू। ये आपने अच्छा कंटेंट किया, मेरे ध्यान में कोई कंटेंट नहीं था यार, यूट्यूब से काफ़ी टाइम पे वीडियो नहीं आ रही। दिया करो ना यार, इस तरह के क्वेश्चन पूछे करो, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। तैयारी करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि अब हमारे टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ कवर करते जाएँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा। हादी आप कैसे हो बच्चे? हादी पुत्र तबीयत कैसी है? बंदा यार अब शक्ल ही दिखा देता है, कम से कम तरस ही जाएगा। मैं तो शफकत से पूछता ही रहता था कि हादी किधर है, हादी किधर है। वो कहते हैं हादी सर उधर है या हादी उधर है। आप लाहौर आ रहे थे सुना? आई एम वेटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप लाहौर हैं। चले थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी। चले बेटा मेहनत करें, अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखे। ओके सर, ओके। अच्छा, चलें ये फिर हम आउट ऑफ द क्लास डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। आगे फिर अभी टैक्स का टाइम हो रहा है ना।